गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 11 अगस्त 2022। कल रात को जो सीपीआई यूएस सीपीआई डेटा आया था विच केम एट 8.5 वर्सेस द एक्सपेक्टेशंस ऑफ 8.7, व्हेयर एज द प्रीवियस प्रिंट वाज 9.1। मींस ये जो डेटा था बहुत ही बढ़िया था, मींस मच बेटर देन द मार्केट एक्सपेक्टेशंस। एंड ऑल्सो द कोर सीपीआई रीडिंग केम बिलो than the expectations, igniting the stock to move higher, and also dollar index moving lower. अभी क्या हो गया कि probability of a rate hike जो पहले 75 basis points था, तो अभी expectations ये है कि September का जो FOMC rate decisions है वहां पे आपका 50 basis points का अभी as of now the figure is means expectations 50 basis points का हो सकता है। उसके लिए हम देखेंगे कि यूएस स्टॉक मार्केट्स काफी ऊपर चला गया है, डॉलर इंडेक्स भी काफी सॉफ्ट हो गया है। तो कल देखेंगे कि पोस्ट सीपीआई डेटा के बाद डॉलर इंडेक्स जो नीचे आया था आपका 104.63, लेकिन फाइनली वो जो क्लोजिंग था वो 105.17 के आसपास था, अभी है 105.41। तो ये अभी आपका लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस में है। अभी जैसे ही कल का लो के नीचे आने वाले दिनों में, आज हो कल हो या नेक्स्ट वीक में, इसके लो के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा, तो देन इन सच केस द नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट इज 103.50 से 103.70 के आसपास होना चाहिए। तो आइए देखते हैं डॉलर रुपी। डॉलर रुपी जो कल मॉर्निंग में हमने करेंसी एनालिसिस किया था वहां पे, उस टाइम में डॉलर रुपी करीबन 79.50 के आसपास था। एंड उसका जो लोकेशन था, लोकेशन आप देखिए, आप उसके सेंटरमेंट के आसपास था। तो वहां पे ये जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हमें ये देखना था कि पहला ये सेंटरमेंट के ऊपर क्लोज दे देता है या नहीं, एंड दूसरा ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल है पहले जो सपोर्ट था उसके ऊपर क्लोज देता है या नहीं देता है, वो हमने देखा था। अगर अगर ये रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करता है देन देयर हायर प्रोबेबिलिटीज की रुपी में ट्रेड लोअर। तो हमने देखा है कि यूएस मार्केट में डॉलर रुपी का जो काम हुआ यो आपका 79.05 के आसपास हुआ था, अभी है 79.16। तो यहाँ पे हम अभी ये जो आपका रेजिस्टेंस है वो रेस्पेक्ट करके नीचे आया है। एंड हमें अगर ट्रेडिंग पर्पस में देखना है तो इंट्राडे पर्पस में भी या स्विंग ट्रेडिंग्स में भी हम देखेंगे, तो ये सेल ऑप्टिक्स का ही टेंडेंसीज है। लोअर टाइम फ्रेम में कुछ आपका जो भी सेटअप होगा उस सेटअप के हिसाब से आप इसको सेल ऑन राइज कर सकते हैं। जीबीपी डॉलर में ये सेंटरमेंट में अच्छा खासा रेस्पेक्ट किया, जो हमारा ऑब्जर्वेशन था कि ऑल करेंसी पेयर्स में मींस डॉलर इंडेक्स, डॉलर येन एंड डॉलर कैंडी सेंटरमेंट में रेजिस्टेंस ले रहा था, एंड यूरो डॉलर, जीबीपी डॉलर, ऑसी डॉलर, ऑल दिस थिंग्स आपका सपोर्ट ले रहा था। मींस हमें देखना था कि ये सपोर्ट के नीचे मींस सेंटरमेंट के नीचे क्लोज देना नहीं चाहिए, एंड वही हुआ है। एंड उसके बाद जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस था वो है 1.2275 से 1.2300 के आसपास था, एंड वहीं पे कल हाई मारा है, हाई आपका मारा है 1.2276, एंड अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमें इसको अलाउ करना है थोड़ा सा कंसोलिडेट करके, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ देन इट विल बी एन हेल्दी मूव। जीबीपी आईएनआर में हम देखेंगे कि यहाँ पर भी वही सेंटरमेंट में रेस्पेक्ट करिए, ये काफी ऊपर की तरफ गया था, दैट इज आपका 97.00 तक हाई ट्रेड किया था, लेकिन वही है ये जो जोन है ना आपका, दैट इज 96.70 से 97.20, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, इतना जल्दी इसको तोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा और भी मीन्स स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर इसको ऊपर जाना है। तो यूरो डॉलर में हम देखेंगे कि यहाँ पर भी वही हाल है, सेंटरमेंट के रेस्पेक्ट के ऊपर गया है, एंड जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस था दैट इज 1.03709 के आसपास का जो रेजिस्टेंस था वो वहां पे रेस्पेक्ट करके मिस टच करके फिर क्लोज लोअर दिया है एट 1.20299 पे। और अभी यहाँ पे वही है कि थोड़ा सा यहाँ पे हमें इसको इमीडिएटली मिस तोड़ना नहीं चाहिए, उसके लिए काफी मशक्कत करना पड़ेगा।
एंड थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अगर ऊपर की तरफ जाता है, दैट विल बी एन वेलकम मूव। एंड इन द मीन टाइम ऑन ए डेली बेसिस आने वाले दिनों में जब भी ये सेंटर बैंड में आएगा, उस टाइम में आपका बाइंग एरिया अच्छा रहेगा, क्योंकि उस टाइम में स्टॉप लॉसेस जो होगा काफी छोटा होगा। यूरो आयनर में हम देखेंगे वहां वही सेम है कि ये सेंटर बैंड को रेस्पेक्ट करके ऊपर गया है, लेकिन ये जो जोन है, दैट इज आपका 81.75 से आपका 82.20 के आसपास जो जोन है, उस जोन में आपको तो प्राइस तो चला गया था, लेकिन उसके बाद प्राइस रिजेक्शन हो गया। अभी आप कैंडल देखोगे, ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन वो प्राइस ऊपर लेवल पे काफी रिजेक्शन हुआ है। व्हाट इट मींस, इट मींस के यहाँ पे काफी सेलिंग आएगा, यानी इतना जल्दी ये ऊपर की तरफ जाएगा नहीं, काफी स्ट्रगल बाकी है इन करेंसी पेयर में। मेनली बिकॉज अगर डॉलर रुपी अप्रिशिएट करता है, मींस रुपी अप्रिशिएट करता है, तो इन सच ए केस ये ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो हमें देखना है कि मींस कीपिंग डॉलर रुपी फ्लैट, अगर यूरो डॉलर ऊपर की तरफ जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट सम मींस ब्रेकआउट इन दैट पर्टिकुलर मींस रेजिस्टेंस जोन। तो डॉलर येन में देखेंगे, कल भी जब हम देख रहे थे तो वो 135 के आसपास था, एंड हमारा वही एक्सपेक्टेशन था कि क्या ये सेंटर बैंड को रेजिस्टेंस करके नीचे की तरफ आता है। अगर आता है तो इमीडिएट जो टारगेट होगा 131 से 131.25 के आसपास होगा। तो कल हमने देखा है कि ये जो लो मारा था 132.03 तक लो मारा था, अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करने का कोशिश कर रहा है एट लोअर लेवल्स। यहाँ पे एक ही मीन्स कॉशन है कि ये जो डेली बेसिस में ये 40 RSI में सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है, अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो थोड़ा सा ऊपर अपटिक जाने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। एनीवे यहाँ पे हम थोड़ा सा मीन्स सेल अपटिक स्टेप का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम इसको रख सकते हैं। ये आयनर में हम आगे देखेंगे वो सेम सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स है, ये आपका एक्सक्यूज मी ये सेंटर बैंड में सपोर्ट लिया है, ये नीचे जाना नहीं चाहिए था, रिस्पेक्ट किया है एंड ऊपर की तरफ आ गया है। एंड ऊपर की तरफ जो था 0.60 के आसपास एक रेजिस्टेंस होना था, जो आपका 0.5982 के आसपास हाई मार्क के फिर थोड़ा सा क्लोजिंग लोअर दिया है, क्लोजिंग लोअर आपका है 0.5948 के पास। दैट मीन द केस अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशंस एंड मींस यही रेंज के अंदर में 0.60 ऑन द हायर साइड एंड 0.5875 ऑन द लोअर साइड, इसके बीच में ही थोड़ा सा प्ले अराउंड करना चाहिए बिफोर एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, प्रोबेबली ऑन द हायर साइड। ये डिपेंड करेगा कि डॉलर येन यहाँ पे आपका ये सपोर्ट ना लेते हुए नीचे की तरफ चला जाए, अगर उस टाइप का कोई मोमेंटम होता है देन ये इजीली ऊपर की तरफ जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना है इसको। डॉलर कैंडी में हम देखेंगे कि डॉलर कैंडी में वही था, कल भी यहीं पे था, सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेगा या नहीं लेगा वो देखने वाला बात था। एंड इमीडिएट जो सपोर्ट था आपका 0.275070 के आसपास, एंड वहीं पे आके क्लोज दिया है, तो यहाँ पे वही है, फिर दोबारा हमें सेल अपटिक्स का टेंडेंसीज करना पड़ेगा। मींस आपका मींस एनी अपटिक में भी आपका मींस लोअर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आपका जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होगा उसके हिसाब से आप शॉर्ट खेल सकते हो। $80 में वही है, सपोर्ट लेना चाहिए था इसको, मीन्स नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना नहीं चाहिए था एंड वही हुआ है। एंड सक्सेसफुली ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका 0.7050 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज दिया है, दैट इज आपका 0.7109 हाई मार के क्लोज दिया है आपका 0.7078। एंड ऊपर में भी जो प्राइस रिजेक्शन है इतना ज्यादा नहीं है इन कंपैरिजन टू यूरो यूरो आईएनआर, आप देखोगे कितना ज्यादा रिजेक्शन है यहाँ पे ऊपर की तरफ से, जो आपका ऑसी डॉलर में इतना प्राइस रिजेक्शन नहीं है। दैट बीइंग द केस ये आपका 0.7030 0.7050 के यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है दैट विल बी एन हेल्दी मूव। डॉलर सीएनएच में देखेंगे, कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया था एंड इट ट्राई टू चैलेंज द आपका जो मदर कैंडल है 14 जुलाई का, जो मदर कैंडल के लो के नीचे क्लोज दिया था, लेकिन आज फिर दोबारा ये क्रॉल करके ये मदर कैंडल के रेंज के अंदर में आने का कोशिश कर रहा है। कंटिन्यूशन नहीं है, फॉलो थ्रू नहीं है, तो फॉलो थ्रू होता तो एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन अभी आज का मूव देखना है कि ये फॉलो थ्रू नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है या फिर दोबारा ये रेंज के अंदर में आ जाता है। अगर दोबारा ये रेंज के अंदर में आ जाता है देन देर आर हाई प्रोबेबिलिटीज कि ये अपर रेंज में फिर टेस्ट करने का कोशिश करेगा। यूके ऑयल देखेंगे, ये आपका लोअर लेवल पे सस्टेन कर नहीं पाया, आपका 90
2.82 लो मार के फिर दोबारा ये क्रॉल करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। दैट मीन द केस हमारा जो एक इमीडिएट जो रेजिस्टेंस जोन है दैट इज 97.25 एंड 98.75, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे आता है या रेजिस्टेंस में के आसपास थोड़ा सा टाइम पास करता है एंड ऊपर जाता है या डायरेक्टली ऊपर जाता है। दीज आर द थ्री प्रोबेबिलिटीज हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला वाला है नीचे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके डायरेक्टली शार्प नीचे की तरफ आएगा, दूसरा वाला यहाँ पे क्रॉल करेगा एंड उसके बाद ऊपर जाएगा, एंड तीसरा वाला है कि डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जाएगा। दीज आर द थ्री प्रोबेबिलिटीज देन वी मे एक्सपेक्ट। तो उसके लिए हमें प्राइस एक्शंस को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। तो अगर मीन्स एज पर द मीन्स स्मूथनेस ऑफ द मार्केट, ये आपका 99 के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए आने वाले कुछ दिनों में। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी हम अगर हम देखेंगे कल एक अच्छा खासा पिन बार बनाया हुआ है एंड ये वही है आपका फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। पुट 2.86 ऑन द हायर साइड एंड 2.71 ऑन द लोअर साइड। अभी हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए एंड ऑल्सो ये 2.8687 के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए, बिकॉज ये 86 2.86 2.87 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो ये जो लोअर है लोअर लो का पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दैट इज व्हाई हमें देखना है। लेकिन आरएसए टर्म्स में थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मींस स्ट्रेंथ का मतलब कि लोअर लेवल पे मींस बायर्स आर देयर हु आर ट्राइंग टू टेक इट पुश इट टू हायर लेवल्स। तो आने वाले दिनों में हमारा ये जो कंडीशन है, अगेन आई रिपीट, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए एंड ऑल्सो 2.87 के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए। अगर 2.87 के ऊपर क्लोज देगा तो ये लोअर है लोअर लो को रिजेक्ट निगेट कर जाएगा एंड मार्केट विल एंटर इनटू चॉपी चॉपीनेस, बूम करके ऊपर जा सकता है, बूम करके डूम करके नीचे की तरफ आ सकता है। तो एनीवे तो ये करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिए एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द प्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड सर्कल। सो दिस मच फ्रॉम माई साइड, विशिंग यू अ वेरी गुड ट्रेडिंग डे अहेड। थैंक यू एंड बाय बाय।